नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में रामायण जो है बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है, और रामायण के लिए एक चौपाई भी कही गई है कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण एक ऐसे सुर यानी कि भगवान देवताओं की एक ऐसा वृक्ष है, जो भी इसके करीब आता है उसके सारे दुख सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक रामायण की बहुत ही खास और एक सिद्ध चौपाई लेकर के आया हूं, यदि जिसे आप मेरे बताए द्वारा विधि से अगर एक दिन में ही सिद्ध कर लेते हैं और इसका नियमित रूप से आप जाप करते हैं तो आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक रूप से इसका फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या करना है, रामायण की इस चौपाई को आपको एक दिन में ही सिद्ध करना है। सिद्ध करने की विधि ये होगी दोस्तों कि आप इसको मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, इस दिन आपको पूरे दिन आपको उपवास रखना है। लेकिन उपवास करने की भी दोस्तों एक विधि होगी। आपको क्या करना है, उपवास का मतलब जो होता है कि आप जो भी अनाज ग्रहण करते हैं, तो ये नहीं है कि आप उपवास है तो आप अनाज ग्रहण नहीं करेंगे, आपके लिए अनाज घर में नहीं बनेगा। उपवास का मतलब यह होता है कि आप जो व्रत कर रहे हैं तो आपके हिस्से का जो खाना होता है वो किसी और को आपको दान कर देना है। तो आप क्या करेंगे, आप जिस दिन भी इस चौपाई को सिद्ध करेंगे, तो मंगलवार के दिन करें या शनिवार के दिन, तो आप उस दिन क्या करेंगे कि उपवास रहेंगे, और उपवास रहने में आपको ये नहीं करना है कि आप जो खाना भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन आपका नहीं बनेगा, आपका उतनी ही क्वांटिटी में उतनी ही मात्रा में आपका भोजन उस दिन बनेगा जितना कि आप डेली खाते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप इस भोजन को किसी गरीब को, जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को, और अगर ये कोई आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, किसी गाय को या फिर कुत्ते को ये भोजन खिला देंगे। तो ये इसका मतलब, उपवास का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो इस भोजन को किसी और व्यक्ति को दे देना, यानी कि अपने हिस्से का भोजन आप किसी और को दे रहे हैं। जब इस विधि से आप कोई भी उपवास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसका असर, इसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भूखे रहने से कुछ नहीं होता है, कि आप भूखे रह रहे हैं तो इससे उपवास नहीं होता है। अगर भूखे रहने से दोस्तों अगर खुशियां मिलती तो हमारे भारत में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 दिन में सिर्फ मुट्ठी भर खाना मिलता है, तो ये लोग तो ज्यादा सुखी रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आप जब भी कोई उपवास करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो आपको अपने हिस्से का जितना भोजन होता है उसे आपको किसी गरीब को, ब्राह्मण को, जरूरतमंद को या गौ माता को खिला देना है। तो आप यही करेंगे कि आप दिन भर में उपवास रखेंगे और अपने हिस्से का भोजन किसी को दे करके, और एक तुलसी की माला आपको लेनी है। तुलसी की माला से आपको इस जो चौपाई में आपको दे रहा हूं आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो इस चौपाई को आपको तुलसी की माला से 5 माला 7 माला 11 माला जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा, उतनी ज्यादा इसमें ऊर्जा आएगी। तो चौपाई इस प्रकार है दोस्तों, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जही सुभाए। तो आपको इस चौपाई को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, व्रत कर करके और इसको सिद्ध कर लेना है। और यदि दोस्तों आप भोजन रात में, यदि आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आपको रात में क्या करना है, जैसे कि आपने पूरा दिन भर आपने उपवास कर लिया, उपवास करने के बाद में आप क्या करेंगे कि रात में जो आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो रात में यदि आप फलाहार ग्रहण कर रहे हैं या भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें से आपको 4 हिस्से बनाने हैं। 4 हिस्से में से एक हिस्सा आपको क्या करना है, गरीब को या जरूरतमंद को, और एक हिस्सा गौ माता को खिला देना है, और उसमें से आधा 2 हिस्से बचेंगे तो वो 2 हिस्से आपको ग्रहण करना है। इस विधि से आपको इस चौपाई को सिद्ध करना है। अब इस चौपाई को दोस्तों आप एक तरीके से और सिद्ध कर सकते हैं कि आप उसको 3 टाइम में 3-3 माला आप जाप कर सकते हैं, यानी कि सुबह में आप करेंगे 3 माला तुलसी की माला से, फिर बाद में दोपहर में 3 माला तुलसी की माला से, और फिर रात में 3 माला तुलसी की माला से। इस विधि से भी दोस्तों ये चौपाई सिद्ध हो जाती है। तो सिद्ध करने के बाद में एक दिन में ये चौपाई आपकी सिद्ध हो जाएगी, उसके बाद में कंटिन्यू डेली आपको तुलसी की माला से एक माला इस चौपाई का रोज आपको जाप करना है। अब दूसरे दिन से जब आप जाप शुरू करेंगे तो इसका कोई समय का बंधन नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर जब भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और किसी भी हनुमान मंदिर में या श्री राम जी के मंदिर में जाकर के इस चौपाई का 11 बार जाप करेंगे तो भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, एक दिन में ही सिद्ध हो जाने वाली ये चौपाई बहुत ही चमत्कारिक है। इस चौपाई को आप जाप करेंगे तो अपने मन में विचार रखें कि आप किस परेशानी के लिए इस चौपाई का जाप कर रहे हैं, धन से संबंधित परेशानी के लिए कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित परेशानी के लिए कर रहे हैं, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है,
जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी को अपने विचार अपने दिमाग में रखें कि मैं इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मैं इस चौपाई का जाप कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह रुक गया है तो ये फिर से मनी फ्लो शुरू हो जाए। तो जो भी आपकी परेशानी होगी उसको अपने दिमाग में हमेशा रखें, तब ये चीजें वर्क करती हैं। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, चौपाई का जाप करते जाएंगे तो अपने मन में यही इंटेंशन रखेंगे कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। दोस्तों इस चौपाई का जाप आप किसी और मनोकामना के लिए या किसी और परेशानी के लिए भी कर सकते हैं। ए टू जेड आपकी कोई भी अगर परेशानी है तो उस परेशानी को मन में याद करके और इस चौपाई का जाप शुरू कर दें। जिस दिन सिद्ध करेंगे उसी दिन से आपको अपने इंटेंशन आपके क्लियर रखने हैं कि आप किस चीज के लिए इस चौपाई को सिद्ध कर रहे हैं। और एक बार जब आपकी ये चौपाई सिद्ध होने के बाद में आपका काम हो जाता है, एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है, तो आप किसी और मनोकामना के लिए इस चौपाई का कंटिन्यू जाप कर सकते हैं। और दोस्तों जितना ज्यादा आप इसको जाप करेंगे और नियमित रूप से अगर जाप करते हैं बिना गैप किए तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर महिलाएं कर रही हैं तो नापाकी वाले दोनों को छोड़ करके आगे वाले दोनों से इसको जाप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों रामायण की चौपाई बहुत ही चमत्कारिक है, आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल हल होती नजर आएंगी आपको, क्योंकि रामायण दोस्तों बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और रामायण की चौपाई से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों जय श्री राम का नारा जरूर लगाया करें हनुमान जी के सामने, हनुमान जी सारे काम छोड़ करके आपका काम करने के लिए आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।